रास्ता निकल गया। ऐ काली कलोटे के बेटे, गोया के मां को उन्होंने एक तरह की गाली दी, और गाली भी क्या थी, कालेपन की वजह से। कोई काला किसी गोरे पे कोई फौकियत नहीं रखता, कोई गोरा किसी काले पे कोई फौकियत नहीं रखता। ये तालीम देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे उनके सहाबी से ये लफ्ज निकल जाए और अल्लाह के रसूल छोड़ दे। उनकी जुबान से निकल गया, ए काली के बेटे, यानी तेरी मां भी काली थी। सुना, हजरत बिलाल को गुस्सा आया, कहा कि मैं शिकायत करूंगा अल्लाह के रसूल से। वो गए, ये भी पीछे गए, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। कहा बिलाल ने, अल्लाह के रसूल, इन्होंने मुझे यूं का ताना दिया है मेरे नसब पे। हम कितने बार कह देते हैं किसी को काला, किसी को बदसूरत, कितने बार मजाकन कह देते हैं। उसके दिल पे क्या बीतती है कभी सोचा भी तुमने? तुम्हें कौन इख्तियार दिया कि किसी को काला कहने का या किसी को गोरा कहने का? अल्लाह की कसम याद रखो, अल्लाह ने बनाया किसी को काला किसी को गोरा, तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। जिस गोरेपन पे तुम्हें नाज है, वो एक लम्हे के हजारवें हिस्से में कालेपन में तब्दील करने पे अल्लाह कादिर है। किसी को ताना ना दो नसब पर, किसी को ताना ना दो उन बातों पर जिसका इख्तियार उसके हाथ में नहीं है। कोई काना बनता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई ऐबदार होता है, हम उस ऐब को मजाक बना के पुकारते हैं। उसके दिल पे क्या बीतती होगी? तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि उस ऐब को तुम पुकारो? इसी वजह से याद रखो, अल्लाह के रसूल ने यह कितना बड़ा जुर्म है कहा पता है? जब मालूम हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो भी अबू जर वो सहाबी थे जिनकी तकवे की मिसालें खुद सहाबा दिया करते थे, इतने ऊंचे मुकाम पे रहने वाले सहाबी थे। लेकिन जब ये बात सुने कि अबू जर ने यूं कहा है, तो अल्लाह के रसूल यूं पलट के अबू जर को देखने रहे गुस्से से। अबू जर अपने आप में एक तरह से थर्राने लगे, पता नहीं मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकले तो क्या निकले पता है? कहा कि या अबू जर, इन कमर उम फी का जाहिलिया। अबू जर, अभी तक तुम्हारे अंदर जाहिलियत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुफर के मुकाबले में जहल इस्तेमाल होता है। जाहिलियत का वो जमाना जो कि अल्लाह के रसूल अभी नहीं आए थे, उस जमाने को कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने इस एक बात पे इतना बड़ा लफ्ज अबू जर से कहा कि अबू जर, तुम्हारे अंदर अभी तक जाहिलियत है। वो कांप के रह गए कि कितनी बड़ी बात है जो अल्लाह के रसूल ने मुझे बताई। और उन्होंने कहा तो क्या कहा? सिर्फ एक काले कलोटे हबशी गुलाम को सिर्फ वही कहा जो वो थे, लेकिन तंस का मामला था। हम कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं कि अल्लाह हमें नहीं।